होने की सूचना मिली थी। बॉम्ब स्क्वाड और कमांडो का दस्ता भी पहुंचा हुआ है मौके पर। मॉक ड्रिल या कोई सिक्योरिटी अलर्ट है, ये अभी अनिश्चितता का माहौल है। ऑफिशियल बयान इस पर अभी तक नहीं निकल कर आया, लेकिन कोर्ट परिसर के बाहर अफरा तफरी का माहौल जरूर देखा जा रहा है। वकील और हाईकोर्ट का स्टाफ कोर्ट परिसर के बाहर निकल आए हैं। कमांडो का दस्ता पहुंचा हुआ है, बॉम्ब स्क्वाड पहुंचा हुआ है मौके पर। अब ये सिक्योरिटी अलर्ट है या कुछ और, इसको लेकर अभी अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। राजेंद्र जुड़ गए हमारे साथ। जी राजेंद्र, क्या अपडेट्स? हाँ बिल्कुल जस्मीन, अपडेट अभी ये है कि फिलहाल हिमाचल हाईकोर्ट में नहीं हो पाया है। बिल्कुल बिल्कुल जैस्मिन, क्योंकि पहले कहा गया था कि 12 बजे तक के लिए ये पूरा सर्च चलेगी, लेकिन अब टाइम बढ़ा दिया गया है, 2 बजे तक के लिए समय दे दिया गया है। और हाईकोर्ट की तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर सीधे तौर पर दिखाना चाहूँगा जैस्मिन। और हालांकि मॉक ड्रिल के तौर पर ही इसको लेकर चल रहे हैं सभी लोग, जो स्टाफ है, जो एडवोकेट्स हैं, बार एसोसिएशन है, सभी को यही कहा गया है कि मॉक ड्रिल फिलहाल यहाँ पर चल रही है। लेकिन जिस प्रकार से मॉक ड्रिल अन्य अगर हम भवनों की बात करें, वहाँ पूरी पूरी बिल्डिंग खाली नहीं करवाई जाती, एम्प्लॉयज़ काम करते रहते हैं। और आप देख सकते हैं जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, ये बाहर ये जमावड़ा लगा हुआ है, तमाम एडवोकेट्स बाहर मौजूद हैं, पूरा परिसर भरा हुआ है, जो सभी स्टाफ के कर्मचारी हैं वो बाहर मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ बाहर हैं, अंदर कोई भी नहीं है। और जो अभी सूचना मिल रही है वो यही सूचना मिल रही है कि करीब 2 बजे तक इसी प्रकार से ये सर्च चलेगा और इस टाइम को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो अब किस प्रकार का अलर्ट है, क्या कुछ यहाँ पर है, ये देखना होगा। लेकिन अभी तक जो बार एसोसिएशन की तरफ से जब पूछा गया अधिकारियों को, तो उनको ये बताया गया कि ये मॉक ड्रिल ये है और ये रूटीन का प्रोसेस है। लेकिन क्या कुछ यहाँ पर है, ये अब देखना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं, तमाम ये कमांडो का पुलिस बल देख सकते हैं, बाहर भी तैनात है, अंदर भी तैनात है, लगातार पुलिस की गाड़ियां यहां पर आ रही हैं, गश्त कर रही हैं, और अंदर अभी भी सर्च ऑपरेशन चला हुआ है। डॉग स्क्वाड अभी दोबारा से अंदर गई है, दोबारा से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। और अब देखना होगा कि कितना लंबा ये सर्च ऑपरेशन जैस्मिन चलता है और कब तक। कुल मिलाकर चाहिए कोई अलर्ट हो, कोई प्रैक्टिस हम कह सकते हैं पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से या सिक्योरिटी ऑफिसर्स की तरफ से हो, लेकिन कुल मिलाकर जो अभी तक कंक्लूजन है वो यही है कि कामकाज पूरी तरह से प्रभावित यहाँ पर हो रहा है। दूर दराज के क्षेत्रों से लोग आए हैं, वो अभी फिलहाल इंतज़ार में हैं कि कब तक ये काम जो है तो शुरू हो पाएगा। और दूसरी बात ये भी है जैस्मिन की, ये भी बारिश की तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में किन्हीं न्यायाधीश का निधन हो गया है, तो उसके कारण भी आज जो कार्रवाई है वो नहीं हो पाएगी। इसके बाद भी अगर ये जो ड्रिल है, ये जो जांच हम कह सकते हैं अभी तक जो हाईकोर्ट परिसर में चली हुई है, ये पूरी होने के बाद भी आज हाईकोर्ट के लगने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि श्रद्धांजलि देंगे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जिनकी मृत्यु हुई है उसके ऊपर। तो अब आज कुल मिलाकर ये लगभग स्पष्ट है कि आज कामकाज जो सुनवाई है वो हाईकोर्ट में नहीं हो पाएगी, क्योंकि पहले ये जांच चली हुई है, छानबीन अंदर की जा रही है, पुलिस दस्ता मौजूद है, गेट पर आप पुलिस देख सकते हैं लगातार मौजूद है, अंदर छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है, डॉग स्क्वाड अंदर गई थी, पुलिस के वाहन यहाँ पर पहुंचे हैं, पुलिस के आला अधिकारी एसपी की गाड़ी हमें बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है, तो आला अधिकारी पुलिस के हैं वो यहाँ पर पहुंचे। ठीक है राजेंद्र, यानी कुल मिलाकर अभी अनिश्चितता का माहौल है और अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो तमाम दस्ते यहाँ पर पहुंचे, जो जांच एजेंसियां यहाँ पर पहुंची हैं, वो किस कारणवश पहुंची हैं, क्या कोई ईमेल आया था, कोई धमकी मिली थी जिसकी वजह से ये माहौल अफरा तफरी का यहाँ पर पैदा हुआ। हालांकि नजर बना के रखे राजेंद्र, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।